ट्रक ऑपरेटर हुए लामबंद, प्रशासन पर लगाए उत्पीड़न के आरोप। जिले में ट्रक ऑपरेटरों ने लामबंद होकर शुरू हुई मोरंग की खदानों से मनमाफिक रॉयल्टी वसूलने के साथ रास्तों में हो रहे अवैध वसूली से पर कड़ाई से रोक लगाने की गुहार प्रशासन से लगाई है। साथ ही गाड़ी मालिकों ने खदानों से ही मानक के हिसाब से मोरंग भरने के प्रस्ताव को सख्ती से लागू करने को कहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठे हुए ट्रक ऑपरेटरों ने मोरंग की माल ढुलाई करने में आ रही दिक्कतों को प्रार्थना पत्र के जरिए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के सामने रखा। यूनियन के अध्यक्ष हरमोहन सिंह यादव ने बताया कि हम सभी लोग अपनी गाड़ियों से बालू ढुलाई का काम करते हैं, खदानों पर रॉयल्टी के नाम पर इतना अधिक चार्ज वसूला जा रहा है जिससे हम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रक मालिकों ने ARTO और SDM पर आरोप लगाया है कि ओवरलोड ट्रकों से साठ काट कर उन्हें जाने दिया जाता है और जिससे बात नहीं बनती तो उनका चलान कर दिया जाता है। हम सभी लोगों का कहना है कि कोई किसी प्रकार का उत्पीड़न न करे और नहीं प्रशासन के रौब पर अवैध वसूली की जाए। सरकार ने जो मानक तय किए हैं, उन्हीं मानकों के आधार पर माल दिया जाए। खदानों से जो 3 से 4 गुना रॉयल्टी वसूली की जा रही है उस पर अंकुश लगाकर मानक तय किए जाए। साथ ही खदानों से ही ओवरलोड ट्रकों को भरने की पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी प्राइवेट गाड़ियों से मनमानी वसूली करते हैं, अगर अधिकारी गाड़ी पकड़ते हैं तो उसे बंद कर चालान करे, न कि वसूली करके छोड़ दे। अगर कड़ाई से पालन होगा तो खुद ही ट्रक मालिक नियम से चलेंगे। इंडिया टॉप न्यूज से ब्यूरो चीफ संतोष कुमार सोनी की खास रिपोर्ट, जालौन। हम लोग सभी ट्रक ऑपरेटर हैं, ट्रक मालिक हैं, ये अपनी पीड़ा DM साहब को अवगत कराने आए हैं कि हम लोगों से खदानों पर बालू और मोरम जो हम लोग ढुलाई काम करते हैं उस पर अत्यधिक ज़्यादा चार्ज वसूला जा रहा है। 28,000, 32,000 ये 28,000, 32,000 हम लोग नहीं चाहते। उधर आगे जाते हैं तो RTO, CO, SDM, खनेज सारे लोग हम लोगों को परेशान करते हैं, पैसे दे के सब निकल पाते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग कहीं पैसा लगे, कहीं हम लोगों को उत्पीड़न ना हो, जो मानक के आधार पर उतना माल दिया जाए और जो मानक गवर्नमेंट का हो रॉयल्टी का, वो रॉयल्टी वसूली जाए हम लोगों से। ये 2 गुना 3 गुना रॉयल्टी ली जाती, इस पर जिलाधिकारी महोदय थे और ऊपर हम लोग इनके माध्यम से चाहते हैं कि इसमें खदान वालों पर कुछ अंकुश लगाया जाए, एक रेट उनका निश्चित किया जाए कि कितनी इनसे वसूली की जाए। और हमको माल मनमानी वसूली हो रही है। फिर इसके बाद में एक और पीड़ा हम लोगों के पास है कि हम लोग जो रोड पे गाड़ियां निकलते हैं तो CO, SDM, जनपद उरई के, जालौन के उरई में पूरी रात प्राइवेट गाड़ियों से लग करके वसूली, हम गाड़ियां बंद करें, कोई दिक्कत बंद करें तो हम लोग सुधार करेंगे, तो बंद नहीं करते हैं। 30,000 रुपए लेकर के पूरी रात वसूली होती है और गाड़ियाँ छोड़ी जाती है। ओवर लोड चलाने का हमें बढ़ावा मिल रहा है, थाने वाले 8 थाना की एंट्री ले रहे हैं, 3,000 रुपए गाड़ी उनको चाहिए वो तीन, और हर थाना एंट्री, फिर बीच में 6 महीने के लिए एंट्री बंद हुई, 6 महीने लिए थानों का सिस्टम बंद हुआ, जब सख्ती ऊपर से थानों में बंद हुई, आज फिर थानों में चालू हो गया कि 3,000 रुपए पर गाड़ी मुझे चाहिए और नई गाड़ी थाने में खड़ी होगी तब खनिज और RTO बुला के चालान करा दिया जाता है। वैसे कभी नहीं, पैसे दे दिए तो मानक पे हो गए और पैसे नहीं दिए तो हम बहुत बड़े जुर्मी हो गए, बहुत बड़े DM साहब को जो आपने प्रार्थना पत्र दिया है। इस तरह कार्रवाई चाहते हैं कि मतलब इसमें खनिज का विभाग है तो खनिज अपना काम करे, RTO तो RTO अपना काम करे, ये संयुक्त चेकिंग जो लगा देते हैं डेली पूरी रात चेकिंग में गाड़ियां बंद करें तो हम लोगों में दहशत होगी नहीं, घाट वालों में थोड़ा शिकंजा कसे, तो ये दहशत तो हम लोगों पे हो नहीं रही है क्योंकि रात वसूली हो जाती है, बात खत्म, कोई गाड़ी नहीं बंद की जाती है। गाड़ी बंद करें और ई चालान फर्जी चालान हो जाते हैं, ये नहीं देखते किसकी गाड़ी क्या है।